नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सार न्यूज, मैं रिजवी। आज पटना सिटी अनुमंडल में पटना एसडीओ के नेतृत्व में आज शांति समिति की बैठक आयोजन की गई गुलजारबाग स्टेडियम में, जिसमें मौजूद रहे पटना सिटी डीएसपी, एसपी, एसडीओ, थाना अध्यक्ष, खाजकला, आलमगंज चौक, सुल्तानगंज, तमाम पदाधिकारीगण और बिजली विभाग के अफसर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर, तमाम लोग मौजूद रहे और शांति समिति की तमाम लोग वहाँ मौजूद रहे। काफ़ी तादाद में लोगों ने अपने अपने सुझाव दिया। मुहर्रम के लेकर यह बैठक आयोजन किया गया था शांति समिति का, जो तमाम लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए और एसडीओ और डीएसपी और एसपी के समक्ष अपनी बातें रखी। और एसपी ने तमाम लोगों से कहा कि इस मुहर्रम में किसी भी बगैर लाइसेंस के कोई भी अखाड़ा या ताजिया नहीं निकलेगा और डीजे नहीं बजेगा। क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुहर्रम का पर्व 7, 8, 9 और 10 तारीख को अलग अलग तिथि में संपन्न होने वाला है और सिटी पटना के सिटी क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खास करके मुहर्रम को लेकर। तो इसको लेकर यहाँ पर शांति समिति की मीटिंग सभी थाना क्षेत्र एक संयुक्त ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें सभी शांति समिति के मेम्बर पार्टिसिपेट किए हैं। काफ़ी जनप्रतिनिधि भी इसमें शरीक हुए हैं और उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि कैसे इस पर्व को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। और हम लोग प्रशासन के अलग अलग विभाग के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं और सबने अपने अपने जो भी समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए, अपना सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशित भी किया गया। और हम लोग आशा करते हैं कि यह पर्व अच्छे तक मनाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से चुस्त व्यवस्था की जा रही है, पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और प्रशासन के विभिन्न विभागों पर जो भी सुविधाएँ हैं प्रदान की जाएंगी। सर, डीजे को लेकर भी कोई बात उठाया गया? डीजे के लिए प्रशासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश है सबको अवगत करा दिया गया है। डीजे को उसका नहीं प्रयोग करना है और सबको अवगत भी करा दिया गया है। पूरे लाइसेंस के शर्तों में भी जो जुलूस के लिए दिया जाएगा उसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग डीजे न करें। और मेरा अनुरोध भी है आम लोगों से भी कि वो डीजे का प्रयोग न करें, क्योंकि ये प्रशासन की तरफ से इसको मना की गई है क्योंकि डीजे की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके लिए लोग न बजाय तो बेहतर। आज की जो बैठक का मुख्य उद्देश्य था, जो किस तरह से पर्व का आयोजन किया जाएगा और उसको लेकर के जो लोगों की क्या अपेक्षाएँ हैं उन लोगों से और प्रशासन का क्या दिशा निर्देश है और किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर के आपस में विचार साझा किया गया है। जो पूर्व के अनुभव रहे हैं उसके अनुसार किस तरह से, चूँकि 2 साल के कोरोना पीरियड के बाद इस बार सभी पर्व त्यौहार जो हैं वो अपने पूर्व के तरीके से मनाए जा रहे हैं, अभी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ हो रही है, उसको लेकर के प्रशासनिक जो हमारी तैयारियां हैं वो भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इस अनुभव जो प्राप्त हुए हैं आज के बैठक में उसके आधार पर हम लोगों ने अपनी तैयारियों को